हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपलीफाइड कुकिंग। आइए आज हम बनाते हैं एक बेसिक सी रेसिपी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो कि आप सब लोग बनाते होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं हम। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो गोभी ली थी, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 मीडियम साइज़ के आलू, 2 बड़े टमाटर, 1 इंच अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली थी। सबसे पहले पैन में एक कड़छी सरसों का तेल गरम कर लिया मैंने, फिर उसमें ज़ीरा चटका दिया और फिर मैंने कटी हुई अदरक उसमें डाल दी। अब इसे हम थोड़ी सी भून लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे और बस फिर अब इसमें डाल देंगे प्याज, कटी हुई प्याज। अब हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है, मतलब इसे ब्राउन नहीं हमने करना, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही इसे चलाना है हमने। और उसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू इसमें डाल देने हैं। अब ऐसा है कि गोभी को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आलू जो हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है पकने के लिए, इसलिए हम आलू पहले डाल देते हैं। आलू और गोभी इकट्ठा नहीं डालेंगे, तो इसे हमने पहले डाल के चला लेना है, थोड़ा भून लेना है और फिर इसको हमने ढककर पका लेना है। और बीच बीच में इसे चेक करते रहना है कि हमारे आलू कितने पक गए हैं। अब जो आलू हैं वो ऑलमोस्ट 50% पक गए हैं, तो अब इसमें हम गोभी ऐड कर देते हैं। तो गोभी को मैंने बड़े बड़े फ्लोरेट्स में ही काट लिया था, बहुत बारीक नहीं काटा था। तो जो फ्लोरेट्स का डंठल था उसको मैंने उसमें कट लगा दिए थे ताकि वो पक जल्दी जाए। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया था। अब हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे, करीब 1 कड़छी भर के मटर ऐड किए हैं। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको थोड़े देर ढक के पका लेंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी लगती है, तो आप ज़रूर इस मेथड से बना के देखिएगा। और अब हम ये करेंगे कि इसमें जो बाकी के सूखे बेसिक मसाले रह गए हैं वो डालेंगे, जैसे कि मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। तो उसके लिए ये करेंगे कि हम सेंटर से पैन को थोड़ा खाली कर लेंगे, उसमें ऑयल दिखने लगेगा आपको, और उसमें हम मिर्ची पाउडर और हल्दी ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि तेल में जो मिर्च और हल्दी है वो पक जाएगी, और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर गोभी में बहुत अच्छा लगता है, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे तेल में, और फिर हम इसको सारे में मिक्स कर देंगे, सारी गोभी में मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमने ये करना है कि टमाटर को, 2 बड़े टमाटर को बारीक काट के रख लेना है। ये रेसिपी थोड़ी सी अलग इसीलिए है क्योंकि हमने जब प्याज भूना था उसके साथ हमने टमाटर को नहीं भूना। हम प्याज और टमाटर को पहले इसलिए नहीं भूनते इस सब्ज़ी में क्योंकि जब भी हम प्याज और टमाटर पहले भूनते हैं और फिर गोभी ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा कलर जो है गोभी का उतना खिला हुआ नहीं आता जितना कि आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, तो आपकी गोभी का रंग बिल्कुल खिला खिला बनेगा। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे, इनको आपस में मिक्स कर देंगे और ढक कर फिर हम इसे
पका लेंगे। आप जब भी गोभी बनाएं तो गोभी को बहुत ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलाने से इसके जो फूल होंगे, जो ये फ्लोरेट्स हैं, ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, और बनाते हैं हम गोभी और बन जाता है गोभी का भरता। तो जी, हमारी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है। और इसके लिए हमने हरा धनिया भी काट के रख लेना है, और इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क देना है। इसे आप चपाती, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, और साथ में दाल हो या रायता हो तो बहुत ही बढ़िया। तो जनाब, लीजिए, आपकी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।